Let us move towards inner journey, towards meditation. मेडिटेशन के प्रोसेस में उतरते चले आना, सुरती का दीप जलाना, सेल्फ रिमेम्बरेंस में उतरते चले जाना, बहुत सहज सरल साधारण होकर की बाहर की दोनों पलकें मुंदती, आपका देखना उद्घाटित हो जाता है। आप देखने लगते हैं बहुत स्वाभाविक रूप से, पलके मुंदा और देखना शुरू हुआ, ये अवेयरनेस, ये वाचिंग स्टेट बी एक्सपैंडेड। Simply watch. जो भी तेरे समक्ष तेरे सामने घटित हो रहा है, पलके मुंदते ही तेरी आंखों के सामने जो जो प्रोजेक्ट हो रहा है, भले अंधेरा हो सन्नाटा हो, विचारों की गति हो, विचारों की भीड़ हो, विचारों की ट्रैफिक हो, भले कितनी भी चहल पहल हो, भीतर विचारों की गति में ये सब माइंड का विस्तार, मनमाया का विस्तार है। हर रूप में, हर ढंग में, हर हाल में सारा मनमाया का विस्तार है। माइंड ही अनेकों रूपों में तेरे समक्ष उतर रहा है, आप केवल देखते रहना। यू आर नॉट ए माइंड, यू आर ए सीयर ऑफ इट। तुम अपने स्वभाव में रहना, मेडिटेशन है अपने स्वभाव में स्थित हो जाना, प्रतिष्ठित हो जाना अपने स्वभाव में। We all are non-doer entity, witness, seer, and observer in our true nature. Stick to it. केवल देखते रहना, सहज अवस्था में देखते रहना। देख ही रहे हो, तुम्हें देखने की कोशिश नहीं करना, कोई कोशिश देखने के लिए नहीं करना, केवल मात्र अवेलेबल रहना वर्तमान के पलों में। बस देखना जारी रहे, ये वाचिंग प्रोसेस निरंतर प्रवाहित रहे। करना कुछ नहीं, जागे जागे रहना, सेल्फ रिमेम्बरेंस में रहना, अपनी याद अपनी स्मृति में रहना। आई एम ए सीयर, आई एम नॉट ए माइंड, आई एम ए सीयर ऑफ इट। बस ये एक मात मास्टर चाबी लेकर के भीतर की ओर चलना। सब डिपार्टमेंट्स खुलते चले जाएंगे, सब दिशाएं खुलती चली जाएंगी। एक जीवन दिशा का जगमगाता नूर तेरे हाथ लगता है। जब तो निरंतर भीतर की यात्रा पर रहता है, जीवन यात्रा, अंतस की यात्रा उद्घाटित होती है तेरे भीतर की ओर जागने मात्र से। तेरा कनेक्शन थर्ड आई के साथ, डिवाइन आई के साथ, इनर आई के साथ, तेरा कनेक्शन शिवनेत्र के साथ, सुरति द्वार के साथ तुझको सदा सदा के लिए आनंदित करता है। लगातार जागे जागे देखते रहना, मौन पूर्वक मुदित भाव में जागे जागे वही देखना जो हो रहा है।
तनिक मात्र भी ना तो जोर लगाना है देखने में, ना जबरदस्ती देखना है, न किसी प्रकार का प्रेशर दबाव, कदाचित नहीं, कहीं भी नहीं, तनिक मात्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें कोई कोशिश करना ही नहीं, हमें तो ना करने की स्थिति में, नॉन डूइंग की स्टेट में रहना है, हमें कुछ करना नहीं, केवल जागे जागे रहना है अपनी ओर, होशपूर्ण रहना है, अपनी अवेयरनेस में रहना है, अपने रिमेम्बरेंस में रहना है, वही देखना है जो हमारे सामने अपने आप घटित हो रहा है, स्वतः घटित हो रहा है। भीतर हमने कहीं जाना नहीं, किसी अंग प्रत्यंग के ऊपर हमने जाना नहीं, हमने भीतर कहीं नहीं जाना। ये यात्रा गजब कछु अलग तरीके की, डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट, बहुत अपने आप में डिस्टिंक्शन रखती है। करना ही कुछ नहीं, तेरे समक्ष स्वतः ही अपने आप सब घटनाएं घटित होती चली जाएंगी, और अधिकतर यूजलेस अननेसेसरी थॉट्स पास्ट के फ्यूचर के तेरे समक्ष घेरा डाले होए, डेरा डाले होए, घेरा बनाए होए, चक्रव्यूह की तरह तुझे स्वयं अनुभव होगा। अंधकार ही अंधकार, अंधेरा ही अंधेरा, गगन गुफा में आप स्वयं देख लेना। देखने की क्षमता, देखने का पोटेंशियल तेरे पास पूर्ण संपूर्ण है, भरपूर है, बहुत सहज में उसी तरह आप भीतर देख रहे हो जैसे बाहर की ओर देखा जाता है, जैसे बाहर देखने की कोशिश नहीं करना पड़ता, स्वाभाविक रूप में आप देखते हैं, ठीक इसी तरह से वेरी नेचुरल स्टेट में आप नॉन डूइंग की स्टेट में जागे जागे वही देखना जो तेरे सामने घटित हो रहा है, भले अंधेरा हो उसी को देखते रहना, तेरा देखना जारी रहे, तेरा देखना डुअल पॉइंट, तेरा देखना बहुत प्रेम पूर्ण होए, तेरा देखना बहुत टेस्टफुल होए, बहुत रसवान होए, तेरा देखना अपनी ओर संपूर्ण नॉलेज को, ज्ञान को उतारे। तेरा देखना इबादत है, तेरी याद बंदगी है, केवल देखना, देखना बार बार खंडित होता है, देखना बार बार बिखरता है, देखना बार बार लुट जाता है, खो जाता है, भूल जाते हैं हम, यही भुलावा हमको निरंतर दुख और द्वंद्व की दुनिया में उतारता चला जा रहा है। अपना स्वभाव नहीं भूलना, हाँ मैं सीयर, ये रिमेम्बरेंस निरंतर रहे, मुझे देखना है और कुछ करना नहीं, भीतर का सब मुझे देखना है, मुझे अपनी आंख से देखना, अपनी नजर से देखना, अपना अनुभव स्वयं लेना है, स्वयं अपने अनुभव से जीना है, कितना घना अंधेरा पिरोया है, कितनी विचारों विकारों की भीड़ लगी है, कितना हमने बाहर से कचरा पिरोया है, ये डस्ट, ये धूल, ये कचरा, ये कबाड़, कूड़ा करकट, नेगेटिव थॉट्स का, ये सब स्वयं अपनी आंख से देख लेना।
तुझसे मिलने को। कभी हम जो मचल जाते हैं, ओ मालिक, ओ मुर्शिद, ओ सच्चे यारा, ओ साहिबा, ओ जन्मदाता, जीवन प्रदाता, ओ मेरे यार, मेरे साथी, मेरे सहयोगी, सच्चे मित्र, कल्याणकारी मित्र, मेरे ही भीतर विराजमान, और फिर भी मिलन की घड़ी ना उतरी, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। मैंने तुझको कभी चाहा ही नहीं, मैंने तो केवल मात, एक मात तुझसे चाहा है, तुझको चाहा ही नहीं, इसलिए तो पर्दे में है, इसलिए तो प्रत्यक्ष नहीं है। यही एकमात्र मूल की भूल है। संवार लेना, सुधार लेना, अपनी याद, अपनी स्मृति लौटाना, फिर देखना हार्दिक भाव तुझको कितना अनुराग करता है। यू बिकम हेल्दी, हैप्पी एंड वेल्दी इन स्पिरिट एट वंस, एनर्जेटिक, जॉयस, अवर फ्रेश, फुली रिलैक्स्ड, फुल ऑफ एनर्जी। कभी भी, कदाचित भी तू थकान महसूस नहीं करेगा जब माइंड से हटेगा। कभी किसी प्रकार से भी किसी जोड़ में दर्द, जॉइंट्स में दर्द, जोड़ों में दर्द कदाचित नहीं होगा, आखिरी दम तक नहीं होगा, क्योंकि तेरे पास एनर्जी की कमी नहीं होगा। तू एनर्जी खर्च करता करता माइंड के साथ लगा हुआ जवानी में ही बुढ़ा हो जाता है। तूने कभी इसको रिफिल नहीं किया, रिफिलिंग स्टेशन पर नहीं पहुंचा, फिलिंग स्टेशन पर नहीं पहुंचा, तू अपनी सुरती में, अपनी थर्ड आई में, अपने शिवनेत्र में नहीं पहुंचा। तू अपने स्वभाव में ना उतर करके जितनी गैस अवेलेबल थी सारी खर्च करता गया माइंड, किंतु माइंड पुनः गैस स्टेशन पे ना पहुंच सका। इसलिए दिन प्रतिदिन तो कितना कमजोर, निर्बल, दुर्बल होता गया। एनर्जी का भंडार, एनर्जी का स्रोत होकर के भी, एनर्जी का महासूर्य होकर के भी तो अपनी एनर्जी से कितना वंचित, कि एक एक जोड़, एक एक जॉइंट तेरा हिलता है, कितना दर्द करता है, क्योंकि एनर्जी की कमी है, ऊर्जा की कमी है। तूने कभी जनरेट की नहीं, तूने कभी भी जनरेट नहीं किया, अवसर ही नहीं दिया भीतर उस स्रोत को उभरने का। इसलिए जब ये दर्द प्यास उठता है अपने से मिलन की, तो यही एकमात्र शब्दों में उतरता है। खोज उठती है शहनाई भीतर की, तुझसे मिलने को। कभी हम जो मचल जाते हैं तेरे ऑरा में, तेरे वाइब्रेशंस में, तेरे एटमॉस्फेयर में, कितनी उत्सुकता है उतर जाने की, परंतु अवेलेबिलिटी नहीं, अप्रोच नहीं है, मचलते रहता है, परंतु और अन्य चारा नहीं है। हम तेरे ख्यालों में खो जाते हैं, तुझसे मिलने को। कभी हम जो मचल जाते हैं तेरे ख्यालों में, बहुत गहरे डूब जाते तेरे ख्यालों में, बहुत दूर
चले जाते हैं तुझसे मिलने को। ओ मालिक, ओ भीतर बैठे मेरे मालिक, मेरे मुर्शिद, मेरे साहबा, मेरे ही परम पितु परम मातु, जन्मदाता जीवन प्रदाता, मेरे ही भीतर विराजमान, और मैं तुझसे मिलना पाऊं, इससे बड़ी दुर्भाग्य भरी घटना क्या हो सकती है। मैं बाहर बाहर ढूंढता और तू बैठा भीतर, मैं तुझे बाहर ढूंढता, आज तक बाहर किसी को मिला नहीं, चारों युगों में किसी को मिला नहीं, आज तक किसी को बाहर मिला नहीं। जब भी मिलन की घड़ी उतरी, मुलाकात हुई, मिलन हुआ भीतर हृदय में हुआ, भीतर तेरे दिल में हुआ, उस दिलदार का मिलन भीतर होता है, सर्वप्रथम भीतर, उसके पश्चात बाहर के कण कण में, बाहर के एक एक दिशा में, सब में, हर एक में उसी का दीदार होता है, फिर वह तेरी नजर में विराजमान होता है, फिर तेरी नजर बाहर चारों ओर उसी का दीदार, उसी का प्रेजेंस, उसी की उपस्थिति, उसी को हाजिर नाजिर देखता है, वह तुझको कण कण में देखता है, फिर तो कह सकता है करन करावन आपे आप, मनुख के नहीं कछु हाथ, फिर तेरा ही तेरा, हर घड़ी हर पल भीतर बाहर तेरा ही तेरा, बोलने की जरूरत नहीं रहती, स्वभाव बन जाता है, सुरती जगमगाती है, और संसार तेरा, चाहूं और तेरे पे कुर्बान होता जाता है। सुरती कमा रहा हूं, छोटे से बालक नानक ने कहा, मैं सुरती कमा रहा हूं पिताश्री, आपको ये कर्म नहीं लगता, इससे बड़ा सत्कर्म दुनिया में कौन सा है, इससे बड़ा सत्कर्म दुनिया में कौन सा है पिताश्री, मैं सुरती कमा रहा हूं। 6-7 वर्ष का नन्ना मुन्ना बालक नानक कहता है, क्या आपको ये कर्म नहीं दिखाई देता, क्या मैं वेला बैठा हूं, क्या मैं खाली बैठा हूं, क्या मैं निकम्मा निखट्टू बैठा हूं, क्या मैं कुछ नहीं करता, तेरी भाषा में, तेरे माइंड में जैसा होना चाहिए वैसा मैं नहीं हो रहा, आप जो करते हैं आप वैसा ही मुझसे कराना चाहते हैं, मैं लकीर का फकीर नहीं होने आया। छोटा सा बालक कितना रेवोल्यूशनरी है, कितना क्रांतिकारी है, मैं लकीर का फकीर होने नहीं आया। आप अपने कर्म में राजी और मुझे अपना कर्म करने दीजिएगा, मेरा कर्म ही सत्कर्म है, मैं सच्चित आनंद की खोज में अपनी सुरती में लौट रहा हूं, मैं सुरती जगा रहा हूं पिताश्री, क्या ये कर्म नहीं है, क्या इससे बड़ा कर्म कोई है तो बता दो। अरे वाह, सत्कर्म, सच्चित आनंद की खोज और तलाश में उठा हुआ कदम सत्कर्म कहलाता है। क्या प्यास दर दीवानगी है भीतर के साइंटिस्ट की, इनर साइंटिस्ट की, भीतर के खोजी दीवानों की, क्या गजब, मैटर साइंटिस्ट क्या मुकाबला करेगा स्पिरिचुअल साइंटिस्ट का। तुझसे मिलने को बाबा, तुझसे मिलने को कभी हम जो मचल जाते हैं, तुझसे मिलने को। वारे नरेन, 17-18 वर्ष के बालक नरेन, क्या गजब ढाया तूने बाबा, तुझसे मिलने को कभी हम जो मचल जाते हैं, तेरे ख्यालों में, तेरे ख्यालों में बहुत गहरे डूब जाते हैं,
दूर चले जाते हैं तुझसे मिलने को। गजब जवाब देते हैं बाबा नरेन। हाँ, गर्वभाव में सदाकत है और शिद्दत भी है। क्या गजब, गर्वभाव में तेरी वफाओं में, गर्वभाव में सदाकत है और शिद्दत भी है। फिर तो एहसास से, फिर तो एहसास से पत्थर भी पिघल जाते हैं। फिर तो एहसास से पत्थर भी पिघल जाते हैं। फिर तो एहसास से पत्थर भी पिघल जाते हैं। फिर तो तेरी प्यास से। नशे में जब से डूबे हैं हम, तेरी नजरों की मस्ती में जब से डूबे हैं। लड़खड़ाते हैं कदम, इतना नशा इतनी मस्ती, शराबियों की तरह लड़खड़ाती हैं कदम, पर फिर भी संभल जाती हैं। लड़खड़ाती हैं कदम, इतनी सजगता, इतनी अवेयरनेस, कहीं किसी प्रकार की बेहोशी नहीं। ये नशा ऐसा है जिसमें बेहोशी नहीं, कोई हिप्नोटिज्म नहीं। ये नशा ऐसा है जहां कोई नेगेटिविटी नहीं। ये नशा ऐसा है जहां किसी प्रकार की भी बेहोशी नहीं, कहीं मूर्छा नहीं, सजगता ही सजगता है। स्टेट ऑफ अवेयरनेस, 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 अवेकनिंग है। जब से तेरी नजरों के नशे में डूबे हैं, तेरी नजरों की मस्ती में जब से डूबे। नाम कुमारी नानका, चढ़ी रहे दिन रात, चढ़ी रहे दिन रात, चढ़ी रहे दिन रात, तेरी आंखों के नशे में जब से डूबे हैं हम, तेरी आंखों की मस्ती में जब से डूबे हैं हम। लड़खड़ाते हैं कदम, फिर भी लड़खड़ाते हैं कदम और संभल जाते हैं।
खड़ाते हैं कदम फिर भी संभल जाते हैं, लड़खड़ाते हैं कदम और संभल जाते हैं, लड़खड़ाते हैं कदम। बेवफाई का हमारी बेवफाई का तुझे पीठ लेकर के जीने का, बेवफाई का हमारी बेवफाई का दीवाने कहते हैं, बेवफाई का हमें जब भी ख्याल आता है पश्चाताप होता है, पछतावा होता है, माइंड के हाथ लग करके तुझे पीठ दे करके भागे भागे भागने का। ये बेवफाई का माइंड के हाथ लग करके मास्टर को पीठ दे करके भागने का, ये दुर्घटनापूर्ण हालात जब जब याद आता है, बेवफाई का हमें जब भी ख्याल आता है, अश्क रुख सार पे मालिक प्रभाव हे जीवन जन्मदाता जीवन प्रदाता तेरे प्रति बेवफाई इनसिंसियरिटी डिसऑनेस्टी इनसिंसियरिटी का ख्याल जब भी आता है, जब जब बाहर की दुनिया ठोकर मारती है भीतर जब तेरी याद आती है तो अपनी बेवफाई का अस्मिता का अंधेरा छा जाता है। बेवफाई का हमें जब भी ख्याल आता है, अश्क रुख सार पे चेहरे पे मुंह पे अश्क रुख सार पे आंखों से बरस जाते हैं, अश्क रुख सार पे आंखों से निकल जाते हैं, अश्क रुख सार पे अश्क रुख सार पे नजरों से निकल जाते हैं, अश्क रुख सार पे।